हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल। सो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं IDBI जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की कट ऑफ के बारे में। एग्जाम हो चुका है तो जो एक एवरेज अटेम्प्ट रहा है बच्चों का, उसके बेसिस पर हम एक कट ऑफ की बात करेंगे कि कितना कट ऑफ यहाँ पर जा सकता है। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सके, प्लस हमें भी एक आइडिया मिल सके। आप लोग कॉमेंट करके बताइएगा, अगर आपने IDBI जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का एग्जाम दिया था तो आपके अटेम्प्ट कितने रहे हैं और आपको एग्जाम का लेवल कैसा लगा। ठीक है, तो आप भी अपने अटेम्प्ट हमें कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि हमें एक ओवरऑल आइडिया मिल सके कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के यहाँ पर अटेम्प्ट के बेसिस पर हमने कट ऑफ प्रेडिक्ट किया है और आपका जो अटेम्प्ट है वो कितना मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले अगर हम बात करें कि कट ऑफ को हम कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे हम पहले से प्रेडिक्ट करते हैं कि कट ऑफ इतनी जा सकती है ना, तो ये जो हमारा कट ऑफ होता है डिसाइड कैसे होता है कि कितनी कट ऑफ जाएगी, तो सबसे पहले एग्जामिनेशन की डिफिकल्टी पर ये डिपेंड करता है। मतलब आपका एग्जाम जो है वो इजी था या फिर डिफिकल्ट था या फिर मॉडरेट था। ऑब्वियसली बात है, अगर आपका पेपर इजी आया है तो कट ऑफ कितना जाएगा, हाई जाएगा, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस बच्चों ने सही अटेम्प्ट किया होगा। तो जब पेपर इजी आता है तो कट ऑफ हमारा हाई जाता है, बट अगर पेपर हमारा टफ आता है तो कट ऑफ हमारी क्या होती है, कम जाती है, मतलब कि लो जाती है। अब पेपर टफ आ गया, बच्चों ने 10 से 20 क्वेश्चन ही किया है, तो कट ऑफ 40-50 तो जाएगी नहीं, इसी के बीच में ही जाएगी। तो अगर पेपर इजी है तो कट ऑफ हाई जाता है, पेपर टफ है तो कट ऑफ कम जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ अटेम्प्ट कम हो जाते हैं। इसके अलावा कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस, मतलब बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी है, डजेंट मैटर आपका पेपर कैसा था, ठीक है, एवरेज परफॉर्मेंस बच्चों की कैसी है, मैक्सिमम बच्चों ने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। जैसे अगर हम मान लें 100 बच्चे हैं, है ना, 100 बच्चे में से ज्यादातर लोगों ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इसमें से हो सकता है कुछ लोगों ने 10-20 किए हो, कुछ लोगों ने 40-50 किए हो, कुछ लोगों ने 80-90 किया हो, तो जो एक एवरेज अटेम्प्ट होता है ना, एवरेज अटेम्प्ट का मतलब ये नहीं कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, एक्यूरेसी मैटर्स अलॉट, है ना। एक्यूरेसी के साथ जो ज्यादातर बच्चे सही क्वेश्चन करते हैं, जो एक एवरेज अटेम्प्ट होता है, मतलब एक्यूरेसी के साथ, तो उसको कैंडिडेट परफॉर्मेंस में कैलकुलेट किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। थर्ड वन इज रिजर्वेशन पॉलिसीज, रिजर्वेशन को भी कंसीडर करके कट ऑफ डिक्लेयर किया जाता है। आप लोगों को पता है जनरल कैटेगरी के लिए अलग होता है, SC ST के लिए अलग होता है, EWS OBC इन लोगों के लिए अलग होता है, तो रिजर्वेशन पॉलिसी के बेसिस पर भी कट ऑफ डिक्लेयर किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर, ये हमेशा नहीं होता है, अगर अप्लीकेबल है तो इसको कंसिडर किया जाता है, अदरवाइज नहीं। नॉर्मलाइजेशन में बेसिकली जैसे कभी होता है ना कि हमारे एग्जाम के अलग अलग शिफ्ट में पेपर हो रहे हैं, तो किसी शिफ्ट में पेपर इजी आ गया, किसी में टफ आ गया, तो वहां पर नॉर्मलाइज किया जाता है, ठीक है। हिस्टोरिकल ट्रेंड्स, हिस्टोरिकल ट्रेंड्स का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, प्रीवियस ईयर कट ऑफ, यहाँ पर जो भी एक हिस्ट्री चलती आ रही है, जो एक ट्रेंड चलता आ रहा है कट ऑफ की, उसको भी ध्यान में रखते हुए कट ऑफ को डिसाइड किया जाता है। एंड इवॉल्विंग रिक्रूटमेंट लैंडस्केप, मतलब जो एग्जाम हुआ है ना उसके पेपर के पैटर्न में कुछ चेंज तो नहीं हो गया। कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि ऑल ऑफ सडन पेपर में बहुत चेंज हो गया, हम लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि अभी तक तो पेपर का लेवल कुछ और था, पेपर में किसी और टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे, ऑल ऑफ सडन ये इतना चेंज क्यों हो गया, है ना। तो जो इवॉल्विंग रिक्रूटमेंट लैंडस्केप है, मतलब अगर एग्जाम के पैटर्न में कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले तो उसको भी कंसिडर किया जाता है कट ऑफ को डिसाइड करने में। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर कट ऑफ डिसाइड किया जाता है, क्लियर हो गया। तो इन्हीं सबको कंसीडर करते हुए हम भी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ को डिसाइड करने की कोशिश करेंगे कि शायद इतना कट ऑफ जा सकता है। बट कट ऑफ को डिस्कस करने से पहले एक बार हम ये देख लें कि कौन कौन से सब्जेक्ट के कितने कितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब IDBI जैम का एग्जाम पैटर्न क्या है। तो यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग के 60 क्वेश्चन आते हैं 60 मार्क्स के, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, मैथमेटिक्स यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, GA के 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, एंड टाइम आपको मिला 120 मिनट। अब इसी में आपका कट ऑफ जाएगा, मतलब कट ऑफ जो हम बात करेंगे वो आउट ऑफ 200 की बात करेंगे कि आउट ऑफ 200 आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। अब इंग्लिश की अगर हम बात करें, ये जो यहाँ पर मैंने एवरेज अटेम्प्ट बताया है, ठीक है, ये जो बच्चों ने अटेम्प्ट किया है उसके बेसिस पर है, हो सकता है कुछ लोगों ने इससे ज्यादा किया हो या फिर कुछ लोगों ने इससे कम किया हो, ये जो एक एवरेज अटेम्प्ट है ना, जो ज्यादातर बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, एक्यूरेसी की बात नहीं कर रहे हैं, अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं कि बच्चों ने ज्यादातर जो अटेम्प्ट किया है उसको यहाँ पर हमने कंसिडर किया है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो हम लोगों ने एक पोल कंडक्ट कराया था उसके अकॉर्डिंगली इंग्लिश में आउट ऑफ 40 बच्चों ने 30-35 क्वेश्चन किया है। वैसे भी इंग्लिश में ज्यादातर बच्चे ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा कुछ लोगों का गेस्ट वर्क भी चलने लगता है ना।
रीजनिंग कुछ बच्चों का कहना था कि इजी थी रीजनिंग, तो आउट ऑफ 60 45 to 50 ये एवरेज अटेम्प्ट रहा है। क्वेंट और जी बच्चों ने कहा था कि टफ है, मतलब क्वेंट में जो अर्थमेटिक आया था वो थोड़ा कैलकुलेटिव था, ऐसा बच्चों का कहना है कि अर्थमेटिक थोड़ा टफ था, तो इजी टू इजी नहीं, मॉडरेट हम बोल सकते, मॉडरेट लेवल का क्वेंट था, और जी ये तो बहुत टफ आई थी, ऐसा बच्चों ने बोला। तो क्वेंट में जो हमें एवरेज अटेम्प्ट देखने को मिला वो 20 to 25 क्वेश्चन है आउट ऑफ 40, और जी में हमें 20 to 25, बहुत से बच्चों ने बिलो 20 भी किया है, बहुत से बच्चों ने तो सिर्फ 10 11 12 ऐसे अटेम्प्ट किए हैं, और कुछ बच्चों ने अबव 25 भी किया है। ठीक है, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैंने तो 20 से कम किया है या मैंने 25 से ज्यादा किया है, ये मैं एवरेज अटेम्प्ट बता रही हूँ जो ज्यादातर बच्चों ने अटेम्प्ट किया है। ठीक है, तो इंग्लिश में जो एवरेज अटेम्प्ट रहा है वो 30 to 35 है, रीजनिंग में 45 to 50 है, मैथमेटिक्स में 20 to 25 है, जीए में 20 to 25 है, कुछ लोगों ने इससे कम भी किया है, कुछ लोगों ने इससे ज्यादा किया है। अगर हम सेक्शनल कट ऑफ की बात करें जीए में, तो आपकी बहुत ही मतलब कम जाएगी, बिलो 10 आप मान के चलिए, अबव 10 जाने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि जीए का लेवल बच्चे बता रहे हैं कि बहुत टफ है। ठीक है, तो टोटल जो अटेम्प्ट हुआ है वो 115 से 135 के बीच में हुआ है एवरेज, मतलब एक तरीके से बात करें तो मैंने देखा था कुछ बच्चों ने 110 किया है, कुछ बच्चों ने 112 किया है, कुछ ने बिलो 100 भी किया है ना, मतलब लाइक उन्होंने 95 98 इस टाइप से भी किया है, और बहुत से बच्चों ने 140 भी किया है। तो यहाँ पर जो एवरेज अटेम्प्ट है वो 115 से लेके 135 के बीच में है, बट जरूरी नहीं है ना कि जितना हमने अटेम्प्ट किया है वो सब सही हो, है ना, उसमें से बहुत गलत भी तो होते हैं हमारे, तो एक्यूरेसी मैटर करता है। अब आप ये मत सोचिए कि बहुत से बच्चों ने 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और मैंने तो सिर्फ 110 किया है, तो इनके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है मेरे कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है इन्होंने जो 140 अटेम्प्ट किया है उसमें से 30 क्वेश्चन इनके गलत हो, तो एक्यूरेसी मैटर करती है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट मैटर नहीं करते, एक्यूरेसी मैटर करती है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी तो है। आपने ज्यादा, आपने 10 क्वेश्चन किया उसमें से 5 आपने गलत कर दिया, तो आपके 5 क्वेश्चन तो गलत हुए, जो 10 आप जो 5 आपने सही किए थे उसमें से भी माइनस हो गया बिकॉज ऑफ निगेटिव मार्किंग, बट आपने 5 क्वेश्चन किए हैं और 5 क्वेश्चन सही है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, ये तो आपको पता है। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट मैटर नहीं करता है, मैटर करता है एक्यूरेसी। ठीक है, तो ये जो टोटल एक एवरेज अटेम्प्ट है 115 से 135, इसको कंसीडर करके अगर हम कट ऑफ की बात करें तो समवेयर हमारी जो कट ऑफ है वो 118 से 125 के बीच में जा सकता है आउट ऑफ 200। जरूरी नहीं है इतना ही जाएगा, ये इससे कम भी हो सकता है या फिर ये इससे ज्यादा भी हो सकता है। क्या क्या फैक्टर्स हैं कट ऑफ को डिसाइड करने के, वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल एक जो होता है, जो स्टार्टिंग में मिस हो गया था, वो है नंबर ऑफ वैकेंसी। कट ऑफ को डिसाइड करने में ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, नंबर ऑफ वैकेंसी। ज्यादा वैकेंसी है ना, कट ऑफ कम कर देंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हो जाए, वैकेंसी कम है ना, बच्चे बहुत ज्यादा हैं जो एग्जाम दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है हम कट ऑफ ज्यादा रखेंगे जिससे कि लिमिटेड बच्चे ही सेलेक्ट हो, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ वैकेंसी कम है। तो यहाँ पर क्या होता है, वैकेंसी भी मैटर करता है कट ऑफ को डिसाइड करने में। तो हो सकता है हमारा जो कट ऑफ है आईडीबीआई जैम का, ये समवेयर 118 से 125 के बीच में आ सकता है, मे भी इससे कम भी जा सकता है या फिर इससे ज्यादा भी जा सकता है, बट हमने ये जो प्रेडिक्ट किया है वो इस एवरेज अटेम्प्ट को कंसिडर करते हुए किया है। अगर ज्यादातर बच्चों का अटेम्प्ट यही है जो यहाँ पर एक एवरेज पोल के थ्रू हमें पता चला था, तो कट ऑफ आपका इसी के बीच में जाएगा, बट अगर इससे कम है या फिर इससे ज्यादा है तो कट ऑफ आपको थोड़ा बहुत है ना, थोड़ा बहुत यहाँ पर वेरी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसके आसपास मान के चलिए। आपको मैं सेफ जोन बता दूं, अगर आप 110 के अबव मार्क्स अचीव कर रहे हैं ना, या फिर हम बोलते हैं 120+, तो 120 ऑब्वियसली बात है, 118, तो अगर 110 के अबव आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप खुद को सेफ जोन में कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। आप लोग भी अपने जो भी अटेम्प्ट हैं आपके, नंबर ऑफ अटेम्प्ट सब्जेक्ट वाइज एंड ओवरऑल, आप हमें कॉमेंट करके बताइएगा, तो हम देखेंगे कि ये जो एवरेज अटेम्प्ट हमें पता चला है वो और आपके अटेम्प्ट कितना मैच कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंगली क्या ये कट ऑफ वेरी कर सकता है। ठीक है, तो आप लोग अपने अटेम्प्ट सब्जेक्ट वाइज एंड टोटल अटेम्प्ट शेयर करके हमें जरूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, देन हम डिसाइड करेंगे कि कट ऑफ इतनी जा सकती है या कुछ वेरी करेगा। बाकी इसके अलावा आप में से अगर कोई फाउंडेशन बैच में बैंक किसी भी बैंक एग्जाम की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं 2024 में, तो हमारी फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रही है 3rd of January से, इसमें आप इनरोल करवा सकते हैं, एस्पायरिंग टू अचीवर बैच है, सभी क्लास सभी सब्जेक्ट इसमें कवर किए जाएंगे, प्रीलिम्स और मेंस की, डेली करंट अफेयर की क्लास होगी, क्लास के पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस सेशन होगा, 100 से ज्यादा लाइव क्लासेस होंगे और 5000 से भी ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इस बैच में एनरोल करवाने के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज प्रिया टी, तो इस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, या फिर आप सुपर पैक परचेस कर लीजिए, वहां पर आपको ये सारे बैचेस मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी इसी तरीके के और अपडेट्स के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए
आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं, दैट इज प्रिया मैम टेस्ट बुक। तो यहाँ पर आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ, क्लास की लिंक, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, बाकी मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।